पान का खोखा लगाने वाले पिता की बेटी ने एशिया कप टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में बेहतरीन प्रदर्शन से कमाल कर दिखाया है। और सोनीपत के ब्रह्मनगर निवासी मंजू चौरसिया ने अपने पिता का सीना चौड़ा कर दिया है। पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी। टीम में डिफेंडर की भूमिका में मंजू चौरसिया ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम को मजबूती दी। एशिया कप में खिताबी जीत के साथ ही लाडली के परिजन बेहद खुश हैं। बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। 8 साल की लड़की को भाई ने चक दे इंडिया फिल्म दिखाई तो मंजू चौरसिया ने भी अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। अपने लक्ष्य को पूरा करने की जिद परिवार के सदस्यों को सुबह मैदान पर ले जाने को लेकर रोकर उठाती थी। विपरीत हालातों में अपनी कामयाबी की ध्वजा लहराने का जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। इसी कारण टीम की जीत पर परिजनों का कहना है कि लाडली ने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। बेटी के खेलने के शौक और उसके हॉकी के प्रति जुनून ने आज अलग पहचान दिलाई है। सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी निवासी मंजू चौरसिया के पिता वकील भगत कहते हैं कि वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। साल 1984 में सोनीपत आकर रहने लगे थे और पान का खोखा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटी मंजू को बचपन से ही खेलने का बेहद शौक रहा। साल 2006 में जब वो 5वीं कक्षा में थी तब पहली बार हॉकी स्टिक थामी थी। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉकी के प्रति उसका जुनून ऐसा था कि खाना तक छोड़ देती थी। यही नहीं, बीमारी की हालत में भी मना करने के बावजूद हॉकी का अभ्यास करने के लिए मैदान पर जाती थी। उसके इसी जुनून ने आज उसे नई पहचान दिलाई। बेटी का नाम मंजू चौरसिया है और वो शुरुआत हुआ था सन 1984 में। हम यहाँ आए थे और तब से मैं 16 साल तक यहाँ रहे। तो यहाँ नौकरी किए, सारा काम यहीं किए और मैं 12-15 साल का मतलब यहाँ आया था। तब से हमने यहीं सब कुछ हुए, हमारे बच्चे वगैरह सब यहीं काम किए और यहीं बहुत मेहनत करके हमने मजदूरी नौकरी और सब कुछ करके हमने अपने बेटी को यहाँ पढ़ाया लिखाया। बेटी कहाँ तक पढ़ी हुई है? जी 12वीं तक पढ़ी हुई है, बगल 12वीं तक। खेलना कब शुरू किया था बेटी ने? बेटी ने 2006 से खेलना चालू किया था। तो खेलने का ख्याल कैसे आया, किस प्रकार से हुआ? जी हमारे खेलने का ख्याल इससे हुआ कि मेरा बड़ा लड़का जो है चक दे इंडिया फिल्म उस समय क्या नाम है वो चल रहा था, CD वगैरह चल रहा था, उसी समय वो चक दे इंडिया फिल्म लाया था। बेटी ने देखा, देखते हमने उनसे पूछा तो बोले कि मैं पापा जी खेलेंगे। तो हम लोगों ने उसको सहयोग किया, बहुत मेहनत करके उसको खेल का सामान दिया था, हर चीज़ दिया और उनको उसके पास दे गए, वो जो उनका कोच था उसके पास ले गए। तो कितनी मेहनत बेटी करती थी यहाँ पर, प्रीतम सिवाच का कैसे सहयोग रहा, कितना सहयोग रहा? सहयोग ये रहा, उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया कि आपकी लड़की बहुत आगे तक जाएगी। हम दोनों भी सबको ले जाकर वहाँ बोले थे हम लोग, तो हम लोगों को बहुत हिम्मत करी कि तुम्हारी बच्ची आगे तक जाएगी, तुम मेहनत करो, उसको जो मांग रही वो दो, खिलाओ पिलाओ, उसको मेहनत कराओ, ये खेलेगी। और खेलने के लिए चली गई। आप क्या काम करते हो इन दिनों? अब तो जी मैंने नौकरी किया इतना दिन, इसके बाद मैं नौकरी जब से 84 से लेकर अभी तक 2015 तक 2016 तक मैं नौकरी किया। पान की दुकान से कितना पैसा कमा लेते हो? जी सर अभी कहाँ उतना कमा लेते हैं, फिर 300-400। विपरीत हालात होने के बावजूद भी मंजू ने कभी हार नहीं मानी और एक के बाद एक प्रतियोगिता में खेलती हुई ये सभी मेडल अपने नाम किए। और आज पूरा परिवार बेटी के मेडलों को हाथ में उठाकर गरीबी से अच्छे दिन लौटाने आने की खुशी व्यतीत कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले रेलवे में मंजू की नौकरी लगी है और वहीं पिता पान के खोखे पर बैठकर अपनी बेटी के रचे हुए इतिहास की गाथा लोगों को सुना रहा है और हर कोई उन्हें भाग्यशाली पिता होने के लिए बधाई दे रहा है। बता दें कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने रविवार को जूनियर महिला एशिया कप 2023 के फाइनल में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए कोरिया पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल करते हुए पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। सत्य खबर के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।